सुरक्षा समन्वय को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र पाइपलाइंस के द्वारा निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक उपस्थित रहे। आइए एसपी साहब। इंडियन ऑयल के सहकर्मी, हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर्ड डीएसपी सीएसके सिन्हा जी, आप सबों का इस सुरक्षा संबंध में बैठक में स्वागत है। मैं समझ रहा हूँ डीआईजी साहब के चेहरे से जो समय का कितना टाइट शेड्यूल है इनका, मैं तो सबसे पहले साहब का आभार व्यक्त करूँगा जो व्यस्त समय से हम लोगों के लिए समय निकाले हैं, और इससे भी हम अवगत हैं और कितने इश्यूज पुलिस के पास है इसको हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है जो हम नहीं जानते। जो कितने इश्यूज को भी और आपके एक्टिविटीज़ को भी हम समझते हैं जो काफ़ी लोड पुलिस के पास रहता है, लेकिन जब पिलफरेज की घटनाएं होती हैं तो हम भी सर आपको परेशान करते हैं, और पिलफरेज की घटना विशेषकर वह चिंता का विषय होता है। चोरी एक अपने जगह है, लेकिन उससे यदि स्थिति बिगड़ती है, जैसे लास्ट ईयर नौबतपुर में जो घटना हुई, पेट्रोल पूरा का पूरा पेट्रोल, आज का नया ट्रेंड देखेंगे जो इनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस प्रेशर को और तेल निकल जा रहा है बाहर। सिर्फ मान लीजिए वो अपना टैंकर में तेल लेके चले जाएँ तो बाद की एक्टिविटीज़ है उसका निदान हो जाता है, मेंटेनेंस पाइप का होता है, फिर पाइप चलता है, तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हम फोटो दिखाएंगे सर, जैसे बक्सर में घटना हुई थी, बक्सर में भी तेल पूरा खेत में फैल गया और होल डे टेलीविज़न पे वो फोटो आता रहा जिसमें 500 से 1000 लोग दिखे हैं बाल्टी से तेल उगते हुए। उसमें यदि एक चिंगारी भी यदि किसी ने जला दिया तो क्या समस्या होगी उसका सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखेंगे सर, हम स्लाइड दिखाएंगे। 2011 पिलफरर है सर, राजस्थान गुजरात सब जगह वो एक्यूज हैं। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, जो आप साइट केस साइट कर रहे हैं जी, आप लोगों ने क्या मोटा ऑपरेंडी पाया जी? जैसे आपने बताया ना कि पहले खेत में फैल गया, ऐसे अगर वो लिया तो गाड़ी पर अपना लोड करके निकल गए, उन लोगों का क्या मोडस है? हम फोटो दिखाएंगे सर। और आज के डेट में क्या उनका मोडस है? मोडस वही है सर, अभी वो फेल कर रहा है, जो सस्टेन करना चाहिए प्रेशर सर, क्योंकि हाई प्रेशर में फ्लूइड पास करता है, तो उसमें जब आप होल करते हैं तो होल ऐसे तरीके से करना जो होल हुआ और वाल्व कलीवर अप हो गया, तेल नहीं निकला, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें फेल हुआ है सर, नौबतपुर में भी और बक्सर में भी। हम फोटो दिखाएंगे सर, सारे अटैचमेंट से फ़ोटो हमारे साथ हैं, तो देखेंगे सर। 2013 और 2014 वर्ष रहा बिहार में, उधर राजस्थान गुजरात में जब पुलिस टाइट हुई और हरियाणा में, तो ये लोग इधर आए सर, सब इंटर स्टेट गैंग्स हैं सर, जिसमें दूसरे जगह की मैनपुरी, यूपी के कई, मथुरा इस सब के भी आदमी, बंगाल, अभी उड़ीसा सब के आदमी हैं सर, झारखंड में बहुत सारे केसेस हुए थे। 2013-14 में जब इतनी घटनाएं हुई तो पुलिस मुख्यालय से डी देन ADGP हेडक्वार्टर थे सर, डीजे चेयरमैन से लेकर डायरेक्टर सब लोग यही फ़ोन करते थे जो स्थिति नियंत्रण में है कि नहीं, उस स्थिति से हम लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं जो वो कभी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट नहीं हो। और ये डिटेल हम लोग बताएंगे सर, और 10 और 11 में जो सर बहुत सारी घटनाएं हुई और जो कंट्रोल हुआ सिर्फ आप लोग के अटेम्प्ट से कंट्रोल हुआ सर, अभी फिर जो घटनाएं बढ़ रही है, लास्ट वीक हम लोग DGP साहब से भी मिले थे सर, पटना IG साहब से भी उन्होंने हम लोग को रेफर किया था, अभी फिर सर जब आप लोग सीरियस हैं नहीं सीरियस हैं का कोई सवाल नहीं है सर, लेकिन 15
15 मिनट से आधा घंटा सर महीना में हमको देना होगा पाइपलाइन से रिलेटेड चोरियों के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को देखने के लिए सर। यही मुख्य आग्रह के लिए सर हम लोग यहाँ आए हैं। और पुलिस चाहे कि इसको चोरी नहीं रुकेगी, इसका तो सर उदाहरण है 2015 और 2016 से चोरियाँ रुकी हैं। लोग जमुई में तो सर बक्सर में साहब के जिला में एक बार तो 10-10:30 बजे अपना अपने तरफ से भी रखे हुए हैं, तो उसमें कोताही हुई सर प्रोसिक्यूशन से भी और हमलों से भी, जो उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं ला पाए और केस हाईकोर्ट से उन लोगों को राहत मिल गया। तो इन सब चीज़ों पे सर हम डिस्कशन करेंगे। एक और इसमें आएगा ही सर, जो केसेस में स्पीडी ट्रायल की संभावना, हमसे हम एक्सपर्ट नहीं हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, जहाँ स्पीडी ट्रायल की संभावना हो स्पीडी ट्रायल कराया जाए। और सर लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस गैदर, उसमें यदि आपको खबरियाँ ढूंढने में पैसे की ज़रूरत है सर, तो हमको आप लिख के देंगे, हम वो भी करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग से बहुत सहयोग मिलेगा सर। तो उस लाइन पे भी सर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। और हमको यदि SDPO लेवल से भी सर यदि लेटर मिलेगा, तो जो फिनांस करने का होगा सर हम लोग फिनांस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में कहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं गाड़ी घोड़ा करने की जरूरत, जैसे बक्सर में ही सर बक्सर के केस में संजीव मुखिया का नाम आया है सर, बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्व है, उसको कैसे दबोचा जा सकता है सर हमसे अच्छा आप लोग जानेंगे। 2006 फिर से मैं ये डुमराव वाले केस पे जाता हूँ, जिसमें अभी ट्रायल में है सर, उसको भी कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं, गवर्नमेंट लीडर भी हैं सर, तो इसको हम लोग सर देख। और आपने जो लाइट दिया है इंटरचेंज एक इंट्रैक्शन इंट्रैक्टिव ये सेशन हो, पावर पॉइंट तो अपनी जगह पर एक इंट्रैक्टिव सेशन हो जो फ्रूटफुल हो, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपना लोकेशन आप दिखा देंगे पावर पॉइंट, अपना लोकेशन पटना से कैसे आपका पाइप आया है, क्योंकि हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो यंग नए हैं। आप उस पे जाइए ना, जिसमें थाना है जिलावास थाना, आप निकलिए और स्किप करते चलिएगा। हाँ ये सर जैसे ये तो बिहार का है और ये सर नौबतपुर का पटना जहाँ की पेट्रोल निकला था,